पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। चलते हैं। ज्यादा समय नहीं दे पाए, इस बात का अफसोस है। हमें बलिदान देना पड़ा ताकि तुम इस राजगद्दी पर बैठ पाओ। गुनो जी सरदार, छोटी रानी पूछ रही है कि अगर आप ज्यादा व्यस्त ना हो तो क्या आप उनसे गोदाम में मिल सकते हैं? रुकिए, अहिल्या, तुम हमसे मिलना चाहती थी? हाँ गुनोजी दाजी, ये आम तो खराब हो गया है, इसे फेंक देना चाहिए, है ना? अहिल्या, तुमने ये पूछने के लिए हमें यहाँ बुलाया? आम खराब हो गया है तो बाहर ही फेंकना पड़ेगा ना, वरना बाकी सारे आम खराब हो जाएंगे। आप जाइए। इतना तो मैं भी जानती हूँ गुनो जी दाजी, कि एक खराब आम पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी गलत आदमी के साथ गलत संबंध रखे जाए तो माहौल खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगता। मतलब? कैलाश पाटिल, आप उस अपराधी से मिलने गए थे दाजी? अहिल्या, तुमने हमारे पीछे गुप्तचर लगा रखे हैं? ऐसा नहीं है दाजी। हाँ लेकिन कोई भी देश विघातक कार्यवाही अगर मेरे आसपास हो रही हो तो उसकी गंध मुझ तक आ ही जाती है। दरबार में आप कैलाश पाटिल की वकालत कर रहे थे क्योंकि वो शासकीय प्रक्रिया थी, लेकिन कैलाश पाटिल ने जब अपना अपराध स्वीकार कर लिया तब आपने सबके सामने उन्हें छटकार दिया था। रेणुका, भोला, इन दोनों की जान लेना चाहते थे आप, और अपनी पेशगी के लिए आपने हमें चुना। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है हमें कि हमने दरबार में आपकी तरफ से दलीलें पेश की। अहिल्या ने आज सबके सामने सच बाहर ना लाया होता तो हम भी आपके साथ इस पाप के साझेदार बन जाते। क्या मुंह दिखाते हैं महादेव को? फिर इस तरह कारागार में उनसे मिलने जाना, इसका मतलब क्या हो सकता है ये मैं नहीं समझ पाई गुनो जी दाजी। अहिल्या, तुम हम पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। मैं हमारे रिश्ते का बहुत सम्मान करती हूँ गुनो जी दाजी, और आपका भी बहुत आदर करती हूँ, लेकिन आप इस तरह किसी आरोपी को मिलने गए, ये संदेहजनक तो है ना, आपको नहीं लगता? मेरा मतलब कैलाश पाटिल और आपके बीच क्या बात हुई ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कैलाश पाटिल ने ना तो सिर्फ एक बच्चे के साथ गलत किया है बल्कि दरबार को गुमराह करने की कोशिश करके राज्य के साथ छल किया है उसने, और आप
ऐसे आरोपी के साथ इस तरह? हम कैलाश पाटिल के साथ क्या बात करने गए थे ये तो तुम नहीं जानती। फिर किस बिना पर तुम हमसे ये कह रही हो कि हमने कुछ गलत किया है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हमें धमकी देने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए अहिल्या। हम मल्हार सरकार के सिर्फ जावई ही नहीं हैं, दरबार के एक जिम्मेदार पद अधिकारी भी हैं। और दरबार में हमारा क्या महत्व है ये बात तो आज मल्हार सरकार ने खुद सिद्ध कर ही दी। खंडेराव के हिस्से की जिम्मेदारी हमें सौंप कर। दरबार में आपके महत्व को कोई भी रद्द नहीं कर रहा गुनो जी दाजी, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, आपकी की गई एक गलती आपकी प्रतिष्ठा और आपका महत्व को कमजोर कर सकती है। और हां, छोटे सुबेदार जी के हिस्से की जिम्मेदारी आज सौंपी गई है आपको, वो तो सिर्फ अमानत है। अमानत और अधिकार में बहुत फर्क होता है गुनोजिता जी, मैं सही कह रही हूं ना? और वैसे भी राज्य के सारे मुख्य अधिकार आज भी बाबा साहेब के पास है, उनके बाद छोटे सुबेदार जी के होंगे और उनके बाद हमारी संतान के, है ना? आज भोजन यहीं करके जाइएगा गुनो जी दाजी, ताजे आम का आमरस बनाया है, यही बात कहने को आपको यहां बुलाया था मैंने। आती हूं। मसाला ठीक बना है, बस इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दो फिर ये हो जाएगा। अहिल्या, जितना काम करना है करो, लेकिन बैठ कर। बहुत देर तक खड़ी रहोगी तो पैर में सूजन आ जाएगी। आओ बैठो। बिल्कुल ठीक हूँ सासू भाई, आप और बाबा साहेब खड़े हैं तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? अकब आओ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।